2000 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में पूरा फैला हुआ इंस्टीट्यूट है, मतलब FRI जो है 2000 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। भाई को जब भी कुछ बोलो कि भाई कुछ बोल दो तो बोलते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब है। फैन हो जाओगे आप अगर आप यहाँ पर आए ना, आप बहुत ही इंप्रेस हो जाओगे, बहुत ही खूबसूरत। हाइट ज्यादा होने के ये भी डिसएडवांटेज है कि बहुत ही ज्यादा झुक के चलना पड़ रहा है हमें, क्योंकि अभी सारे सीढ़ियां जो है वो गीली हो चुकी है, तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ तो हम डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऋषिकेश उत्तराखंड से। और देखो भाई साहब, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा कि हम उत्तराखंड कैसे पहुँचे, और नहीं करते तो आपको ये पूरा सरप्राइज ही होगा कि भाई लद्दाख के बाद डायरेक्टली उत्तराखंड कैसे। तो एक्चुअली देखो, पहले हम 2-3 महीने पहले उत्तराखंड आ चुके थे, हमने पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर किया था, लेकिन क्या हुआ था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके बाद हमारा कैमरा यहाँ पर ऋषिकेश में गंगा स्नान करते हुए डूब गया था, तो हमारे सारे वीडियोस और वो सब मतलब गायब हो चुका था। इसीलिए हम फिर से उत्तराखंड आए, फिर से उत्तराखंड को एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। और अभी हम लोग ऋषिकेश के बिल्कुल बाहर ही है, मतलब ऋषिकेश देहरादून रोड पे है, और अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून के लिए। और हमारे साथ हमारे यहाँ के ऋषिकेश के दोस्त हैं पंडित जी, जो यहाँ के ऋषिकेश के सारे कर्मकांड करवाते हैं, और दूसरे हमारे भाई चंदन भाई जो वीडियो शूट कर रहे हैं अभी। तो हम तीन लोग अभी जा रहे हैं उत्तराखंड के, मतलब देहरादून के लिए, सॉरी। और आप लोगों को लग रहा हो कि भाई ऋषिकेश आके डायरेक्ट देहरादून क्यों जा रहे हैं, तो देखो अभी सावन की कुछ कांवड़ यात्रा चल रही है, उसकी वजह से इतनी भीड़ है ऋषिकेश में, अभी मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हमारे पंडित जी जो यहाँ के, वो अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, बताइए ज़रा क्यों इतनी भीड़ है। दरअसल बात ये है कि सावन का मास चल रहा है, और सावन के मास में जो है ऋषिकेश में भगवान नीलकंठ महादेव को जो है जल चढ़ाने का बहुत पुराना जो है एक रिवाज बना हुआ है। हाँ। और हमारे बड़ा सौभाग्य है कि उसके साथ साथ हमारे बड़े भाई जी आए गुजरात से, और यहाँ दर्शन भी कराएंगे इनको, और धनौल्टी मसूरी देहरादून आपके होते हुए हम हाँ। पूरा मतलब हमने ये सोचा है कि अभी ऋषिकेश में भीड़ है, तो हमारे भाई बोल रहे हैं कि 4-5 दिन में ये भीड़ बहुत कम हो जाएगी, तो हमने सोचा कि पहले देहरादून जाएंगे, मसूरी जाएंगे, फिर ऐसे कुछ ऐसे प्लेसेस है धनौल्टी जैसे, जैसे आपने मतलब सुना ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, ऐसे प्लेसेस है, हिडन प्लेसेस है, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो फिर चलो अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट बढ़ते हैं देहरादून की तरफ। और ये हमारे दूसरे भाई चंदन भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये हमारे पंडित जी। तो पंडित जी क्या प्लान है, मतलब कितना एक्साइटेड हो इनको मनाने में भाई साहब, जो हमारी हालत हुई ना कल मतलब बोल रहा है मैं नहीं आऊँगा, ये मतलब बहुत नाटक है इनके। तो एक्चुअली मंदिर में पूजा करते ही है, तो उनको मतलब कैसे भी सेट किया, उनके घर पे गए, सारी बातें की, और फिर हमने तैयार कर ही लिया। तो नेक्स्ट 5 से 6 दिन हम साथ में रहने वाले हैं, सही है बहुत मजा आने वाला, निकलते फटाफट देहरादून, देखना जरूर। चलिए सब्सक्राइब। फाइनली पूरे देहरादून सिटी में घूमते घूमते अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे पहली जगह पे, हमारी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का, जो कि अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपने बिल्डिंग के लिए और अपने घास के मैदानों के लिए काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस है। तो भाई साहब मैंने सही बता रहा हूँ, अभी तक सिर्फ वीडियोज़ में और फोटोज़ में देखा था इस जगह को, आपने देखा था भाई पहले कभी? बहुत बार मैंने भी कोशिश किया था कि देखा था ये। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ मतलब एक्चुअली बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसका एरिया, मतलब मैं आपको बता दूँ ये जो उसका बाउंड्री वॉल है ना, 2000 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में पूरा फैला हुआ इंस्टीट्यूट है, मतलब FRI जो है 2000 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो आप समझ ही सकते हो कि भाई साहब कितना बड़ा एरिया है, और देखो काफ़ी खूबसूरत हर जगह पर, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी बिल्डिंग और इस तरफ जा रही है, मतलब आप समझ सकते हो भाई साहब कितनी बड़ी बिल्डिंग है। आप अंदर भी जा सकते हो, अंदर एक्चुअली में मेरे ख्याल से 5 या 6 कुछ म्यूजियम बने हुए हैं जिसके एंट्री टिकट अलग से है, तो आप दे के वो जा सकते हो। और यहाँ की एंट्री टिकट की बात करें तो भाई साहब टिकट कहाँ है, तो देखो टिकट में ऐसा है
कि अगर आप टू व्हीलर लेके आते हो तो टू व्हीलर का अलग से होगा 20 रुपीस, फोर व्हीलर का है 30 रुपीस, और पर पर्सन के हिसाब से होगा 10 रुपये के एंट्री टिकट पर पर्सन के हिसाब से है। टू व्हीलर्स के लिए 20 रुपये और फोर व्हीलर्स के 30 रुपीस। तो ये है। और भाई साहब एक और चीज़, मास्क यहाँ पर गेट पे बोलेंगे कि मास्क लगाना पड़ेगा ये वो, तो अंदर जाओगे तब लगाना पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं है। तो बाहर आप घूम सकते हो लेकिन आप अंदर जाओगे तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। तो देखो अभी हम लोग सबसे पहले इस बिल्डिंग में कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे, यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे हमारे भाई के साथ, उसके बाद जाएंगे अंदर म्यूजियम को देखने के लिए। और अंदर अगर कैमरा अलाउ करते हैं तो अंदर शूट करके आपको दिखाएंगे कि अंदर से म्यूजियम कैसा है। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं इस तरफ से म्यूजियम की ओर। ये देख लो, ये मेन बिल्डिंग है जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और ये पूरी यहाँ पर गार्डन्स बने हुए। देखो आप तो छोरी है भाई साहब, आप थक जाओगे चलते चलते। देखो कि आप जबरदस्त फोटोग्राफ्स ले सकते हो। देख लो हमारे भाई भी ले रहे। कैसा आ रहा पंडित का फोटो? बहुत जबरदस्त दिखा पंडित, पंडित जी तो इसमें महापंडित हो जा रहे हैं। दिखा बेहतरीन बेहतरीन फोटो आ रही हैं, और बहुत अच्छी जगह है। आप भी आए और हमारे यूट्यूबर भैया की वीडियो बहुत लाइक शेयर कमेंट। भाई को जब भी कुछ बोलो कि भाई कुछ बोल दो तो बोलते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग घूमते घूमते म्यूजियम के पास पहुंचने आ चुके हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, आपने वो कौन सी मूवी थी वो शाहरुख खान वाली अमिताभ मोहब्बतें में जो कॉलेज दिखा था ना, मतलब बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर, आप टूर से चल के आ रहे हो पैदल वाला सीन, बिल्कुल वैसा ही सेम कॉलेज, मतलब ऐसी वाइब्स आ रही, ऐसी फील आ रही है यहाँ पर। बहुत ही पुराना कॉलेज ये, और मैंने एक्चुअली में कहीं पे पढ़ा था 1878 में मतलब एस्टेब्लिश हुआ था ये इंस्टीट्यूट के तौर पर, ऐसा कुछ मैंने कहीं पर पढ़ा था। तो भाई साहब इतनी पुरानी है, और इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर, मतलब फैन हो जाओगे आप अगर आप यहाँ पर आए ना, आप बहुत ही इंप्रेस हो जाओगे। बहुत ही खूबसूरत, और हर जगह पे फोटोग्राफ्स एक नंबर आ रही है, तो बहुत मजा आने वाला है आपको। चलो अभी फटाफट चलते हैं म्यूजियम के लिए। चलिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। काफी अच्छा था। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग म्यूजियम को देख के बाहर आ चुके हैं। और एक्चुअली में देखो म्यूजियम के अंदर कैमरे से फ़ोन से कैसे भी शूटिंग अलाउ ही नहीं था, और हमको जैसे कि मैंने पहले बोला था कि बाहर से टिकट अलग से लेना पड़ेगा, तो हम टिकट लेना भी भूल गए थे। लेकिन शुक्र हो भाई साहब का कि हमें विदाउट टिकट देखने दिया, कि आप कोई बात नहीं देख लो भाई, अभी बंद होने का टाइम हो चुका है। और देखो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पर पर्सन के हिसाब से 10 रुपये की एंट्री टिकट है यहाँ पर, मतलब इस कैंपस को देखने के लिए। म्यूजियम के तो ऑब्वियसली अलग है। और उसके बाद टाइमिंग्स की बात करें तो देखो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक ये जगह ओपन रहती है टूरिस्ट के लिए। तो अगर आप आना चाहते हो तो इससे पहले आ जाना, अदरवाइज हमारी तरह आपकी किस्मत साथ नहीं देगी आपका। हमारा दे दिया तो हमको मुफ्त में देखने को मिल गया, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे एक और दूसरी इंटरेस्टिंग जगह को देखने के लिए, टपकेश्वर महादेव। मैं बाद में बोलने वाला था लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया। कोई नहीं, वो काफ़ी अच्छी जगह है और नेचुरल जगह है। तो अभी बारिश हो रही है और माहौल भी ऐसा ही है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो फटाफट निकलते हैं। और हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर हमारा चला गया एक्चुअली में, फ़ोटो लेने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। तो इसीलिए अभी हम लोग टपकेश्वर महादेव डायरेक्ट जाने वाले हैं। और एक दूसरी जगह थी, वो जगह हम कल विजिट करने वाले हैं। मसूरी हम लोग परसों जाने वाले हैं, कल हम लोग जाने वाले उस जगह पर, और भी बहुत ही बेहतरीन जगह कल दिखाने वाले हैं। तो चलो फिर अभी निकलते हैं टपकेश्वर महादेव के। जैसे कि हमने बताया था, अभी हम लोग आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव, और आपको अभी ऑडियो वीडियो क्वालिटी में ऊपर नीचे दिख सकता है, क्योंकि अभी हम लोग अपने गोप्रो से शूट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, बारिश धीरे धीरे चालू हो गई थी, और रास्ते में भाई साहब अच्छी खासी बारिश आ रही थी, और हमें नीचे उतरना है, ट्रैक करना है, तो कोई भरोसा है नहीं कि कितनी बारिश आने वाली है, क्या होने वाला है। तो इसलिए हम अपने गोप्रो से शूट करेंगे, सारा कैमरा हमने अपने बैग में रखा है। और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है जहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो। ये देख लो, यहाँ पर हमने अपना एक्टिवा पार्क किया है,
और इस तरफ इसका एंट्री गेट बना हुआ है। तो अभी हम लोग को इस तरफ नीचे जाना है ट्रैक करके, सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर देख लो, तो इस सीढ़ियों के थ्रू हमें उतर के नीचे की ओर जाना है। अभी हमारी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, तो नीचे चलते हैं, जगह दिखाते और जगह के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या बोलते हैं? बेहतरीन बेहतरीन। हाँ, नीचे चल के इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि अभी सारे सीढ़ियाँ जो है वो गीली हो चुकी है। हाँ, तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ तो हम डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएंगे। हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं और इतना कुछ ज़्यादा ट्रैक नहीं, कुछ ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं, यहाँ 5 मिनट में मुश्किल से पहुंच जाओगे। और यहाँ पर आपको कुछ आके ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरफ गेट बना हुआ है, यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, तो एक एक करके हम आपको सारे मंदिर दिखाते हैं। और भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर केव्स भी है, गुफा भी बनी हुई है, तो वो भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपने गुफा की ओर चलते हैं, गुफा दिखाते हैं और चलते हैं मंदिर की ओर। हम लोग मंदिर के कोने से इस वाली साइड पे चलते चलते यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल हो रहा है, देखो, मतलब काफ़ी छोटा सा है, अच्छा सा है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल हो रहा है। और इस तरफ जाते जाते भाई साहब देखो क्या ही खूबसूरत नज़ारे। और एक्चुअली अभी बारिश का मौसम है ना, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा पानी में, क्या बोलते हैं, पानी का स्तर ऊपर देखने को मिल रहा होगा, जल स्तर बढ़ रहा होगा। और अभी हम लोग इस तरफ चल के उस वाले छोर पर जा रहे हैं ताकि कोई अच्छा सा नज़ारा हमें देखने को मिल सके। इधर स्क्रीन में देखने का यार, कैमरा तो कहाँ दिख रहा है मेरे को, कवर कर दिस। अरे ले भाई पकड़ तू, तू इधर आ। अरे बोलो भाई यार, उसमें भयंकर चालू हुआ था, भयंकर चालू हुआ, आजा आजा ना भाई, क्या दिक्कत है, जाओ तो सही। अरे यार जा मेरे भाई, हीरो वाली बात। सो आई होप कि हमने जो ड्रोन शॉट्स लिया आपको पसंद आए। और देखो यहाँ पर कैमरा कौन पकड़ेगा, उसमें बहस हो रही है थोड़ी। सो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। और देखो भाई साहब, अभी तक हमने आपको केव्स दिखाई और छोड़ के लेके गए थे, तो अभी जितने भी यहाँ पर मंदिर है वो सारे मंदिर आपको दिखाते हैं एक एक करके। और वैसे भी अभी अंधेरा होने वाला है, तो फटाफट सारे मंदिर आपको दिखा देते हैं। सो देख लो गाइस, अभी इस वाले ब्रिज को क्रॉस करके हम संतोषी माता के मंदिर के वहाँ पर आ चुके हैं। एक्चुअली अंदर मंदिर के अंदर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फोटो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको अंदर से नहीं दिखाया, लेकिन देख लो यही है मंदिर। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लो ये मंदिर है। और हमें इस वाले सीढ़ियों से होते हुए इस तरफ जाना है आगे, बजरंग बली की मूर्ति के पीछे से यहाँ पर सीढ़ी है, देखो यहाँ से जाना है उस वाले मंदिर की ओर। ये कौन सा, किसका मंदिर है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक गुफाएँ केव्स, और यहाँ पर लिखा हुआ माता वैष्णव देवी की गुफाएँ। चलिए और अपन अंदर चलते हैं। और देखो गोप्रो में आपको शायद ना दिखे क्योंकि बहुत ही अंधेरा है, और गोप्रो पता ही है कि अंधेरे में इसलिए आपको ना दिखे, लेकिन भाई साहब जय गॉड, मैं तो फंस गया। आराम, अरे मेरा बैग है ना इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। देख रहे हो किस प्रकार से हाइट ज़्यादा होने के ये भी डिसएडवांटेज है कि बहुत ही ज़्यादा झुक के चलना पड़ रहा है हमें, ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि हम बैठ के ही चल रहे हैं। भाई साहब क्या ही हो रहा है, अरे ये देखो ये सबसे मेन मंदिर है का, वैष्णो देवी का मंदिर, जय माँ वैष्णो देवी।